A very good morning to all of you. Myself Anuj Dwivedi. Welcome to your favorite YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today I have come up with class 10 English chapter 1.C, which is Reading C, a great moment for all those children. So let's start the chapter. A great moment for all those children. Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize, 10 October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief Scientific Officer of Nobel Media. ये जो chapter है, वो एक क्या है? Telephone interview का chapter है, जो कि बना था कब? 10 October 2014 को, जब नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 की घोषणा के बाद कैलाश सत्यार्थी से टेलीफोन पर एक इंटरव्यू है। ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर जो है वो एडम स्मिथ हैं और किसके बीच है? वैज्ञानिक ऑफिसर नोबेल मीडिया के बीच का ये इंटरव्यू है। सो कैलाश सत्यार्थी, हेलो एडम स्मिथ, हेलो मिस्टर सत्यार्थी, के एस मतलब कैलाश सत्यार्थी और ए एस मतलब एडम स्मिथ, के एस स्पीकिंग, हेलो बोल रहा हूँ, हेलो ए एस, हेलो माई नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोल्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। एडम स्मिथ बोलते हैं, हेलो मेरा नाम एडम स्मिथ है, मैं नोबेल प्राइज वेबसाइट जो कि स्टॉकहोल्म में है वहां से बोल रहा हूं। नोबेल प्राइज अवार्ड पाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एस, हेलो केएस बोलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड टू द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। It is a great moment for all those children and thank you very much for that. तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया लाखों बच्चे सारे विश्व में जिनसे उनका बचपन वंचित है, स्वास्थ्य और शिक्षा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और आज़ादी भी है। यह एक महान क्षण है उन सभी बच्चों के लिए और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ, वेल थैंक यू कैलाश सत्यार्थी, इट इज ऑल्सो ए ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, यह भी एक महान सम्मान है और प्रत्येक भारतीय के लिए और मैं दिल से आप सभी के लिए आभारी हूँ। एडम स्मिथ, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। एडम स्मिथ कहते हैं, यह आपका बड़प्पन है, धन्यवाद, क्या आप आशा करते हैं कि आपका यह पुरस्कार विश्व को क्या संदेश पहुंचाएगा? कैलाश सत्यार्थी, वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रादर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड। तो कैलाश सत्यार्थी क्या कहते हैं, अच्छा मैं काफ़ी होपफुल हूँ, काफ़ी आशावान हूँ और निश्चिंत भी हूँ, इसलिए निश्चिंत हूँ कि यह इन सभी सब में एक बड़े दृष्टिकोण, बड़ा सोच की ओर है और इन बच्चों का ध्यान देने में मदद करेगी जो किन्हीं कारणों से अपेक्षित हैं और सबसे वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स, एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट्स, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट to work hand in hand to fight out this out and I am quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the cause. फिर कहते हैं, यह व्यक्तिगत, कार्यकर्ता, सरकार, कारोबारी घराना जो है, औद्योगिक संस्थान है, बिजनेस कॉरपोरेट वर्ल्ड है, सभी एक साथ एक हाथ में हाथ डालकर काम करने के लिए इस लड़ाई से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देगा और मैं आशा करता हूँ कि इस मुद्दे को मान्यता देने में मदद, बड़ा समर्थन जुटाने देने में, बड़ा मतलब हमको जुटाने में कारण उसका समर्थन मिलेगा, सब बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसको बदलाव करने में। ओके नेक्स्ट,
एडम स्मिथ कहते हैं मार्वलस, दिस विल फोकस ए लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विद योर मिशन। तो एडम स्मिथ कहते हैं मार्वलस, यह बहुत अद्भुत, मार्वलस का मीनिंग क्या है, अद्भुत, यह बहुत ज़्यादा आपके कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया भर के लोग आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। केएस कैलाश सत्यार्थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स अगलीएस्ट फेस एंड फॉर्म एंड दिस इज एन ईविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच इज इनटॉलरेबल विच इज अनअसेप्टेबल एंड विच मस्ट गो। सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सबको स्वीकारना और महसूस करना होगा कि बच्चे जो स्लेवरी है मतलब गुलामी है, कि गुलामी अपने घिनौने रूप और शक्ल में अभी भी सारे विश्व संसार में मौजूद है और यह एक बुराई है और मानवता के प्रति अपराध है जो हमें सहन करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, अस्वीकार्य है और इसे हटाना ही होगा। ओके, देन द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्रकार के मान्यता की समझ विकसित किया जाना चाहिए। ओके, एंड सेकेंडली देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल, और इसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरा हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उच्च मात्रा में बहुत ज़्यादा उसको जरूरत है। देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इट, सो एवरीबडी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट। हमें ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक संस्थानों को अनुबंध और इसके लिए जनता भी वचनबद्धता की आवश्यकता है, उनकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को इस ग्रह का मतलब प्लैनेट अर्थ को पर बचाना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है, हर एक लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की रक्षा करें। एडम स्मिथ, थैंक यू एंड आई सपोज दैट देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर सो एवरीबडी कैन गेट। तो एडम स्मिथ कहते हैं धन्यवाद, और मुझे लगता है कि बच्चों की गुलामी प्रथा का अंत है, यह सप्ताह नवंबर में आ रहा है इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केएस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th नवंबर टू 25th नवंबर एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट which we would be organizing every year on different aspects of child slavery, and this year we are demanding to the information community that the abolition of child slavery must be incorporated into the post millennium development goal or the sustainable development goal, so that would be the emphasis of this year child and child slavery week. To Kailash Satyarthi kya kehte hain, bilkul ha, आने वाले 19 नवंबर से 25 नवंबर तक हम बच्चों की गुलामी का अंत सप्ताह का आयोजन करने जा रहे हैं, और ये क्या होगा, एक एनुअल वार्षिक कार्यक्रम होगा। ओके, जो कि हर वर्ष हर साल बाल दास्ता के विभिन्न पहलू पर आयोजित किया जाएगा, और इस वर्ष भी मांग की है कि बाल दास्ता उन्मूलन प्रथा पर सभी विकास लक्ष्य या स्थायी लक्ष्य शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए इतना भी हो सकता है कि इस वर्ष बाल जो स्लेवरी है के अंत सप्ताह पर जोर दें। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस एंड अगेन आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। तो एडम स्मिथ कहते हैं धन्यवाद, आपके वास्तव में बात की और एक बार पुनः आपको नोबेल पीस प्राइज मिलने के लिए आपको बधाई। कैलाश सत्यार्थी, Thank you once again on behalf of my organization whom I work with, all the activists and all my fellow Indians. तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद, मेरे संस्था जिनके साथ मैं काम करता हूँ और मेरे सारे कार्यकर्ता और मेरे सारे भारतीय साथियों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। So yes, thank you. कैलाश सत्यार्थी bye bye. So ये आपका conversation रहता है। इसके बाद ये आपका लिखा हुआ है ए नोट अबाउट कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में, उनका जीवनी है, उनके बारे में थोड़ा सा चलिए देखते हैं क्या है। कैलाश सत्यार्थी अलॉन्ग विथ मलाला
यूसुफ अजाई फ्रॉम पाकिस्तान वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2014 फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। तो ये राइटर हैं, क्लास सत्यार्थी जो पाकिस्तानी कार्यकर्ता रहती है ना मलाला, सो उसके साथ 2014 में उनके संघर्ष, बच्चे और युवा के दमन जो उनका डिप्राइव्ड है उन सप्रेशन के लिए जो वो लड़ाई करते हैं प्रत्येक बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए, उन्हें क्या किया गया है, नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। सो सत्यार्थी इज द फिफ्थ नोबल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया एंड द सेकेंड इंडियन विनर ऑफ द नोबल पीस प्राइज आफ्टर मदर तेरेसा इन 1979। तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं वे भारतीय पांचवें भारतीय हैं जो नोबल पीस प्राइज विजेता हैं, और वर्ष 1979 में के बाद मदर तेरेसा के बाद वे ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला हो जिनको। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब होता है क्लैरिटी, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड का मतलब होता है इग्नोर्ड, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है डिसएडवांटेज्ड, इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब है एनकरेज, मोबिलाइजिंग, गैदरिंग टुगेदर, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है इंक्लूडेड, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, इनटॉलरेबल, अनबियरेबल, अनअसेप्टेबल मीन्स अनडिजायरेबल, ह्यूमैनिटी मीन्स ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, मार्वलस मीन्स वंडरफुल, एबॉलिशन मीन्स एंडिंग, सस्टेनेबल मीन्स केपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग, पोस्ट मिलेनियम मीन्स आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। विद दिस एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।